तो जी हाँ दोस्तों नमस्कार। पिछले ब्लॉग में जैसे कि आपने देखा कि अभी हम सोरों जी से और हरिद्वार को चलने वाले हैं, तो दोस्तों देख लीजिए अब हरिद्वार जाने की तैयारी। तो जी हाँ दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सोरों स्टेशन पर और यहाँ से बैठने वाले हैं बरेली के लिए। दोस्तों देख सकते हैं इधर बरेली के लिए जाने वाले हैं और इधर से ट्रेन आने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों अभी हम लोग बैठे हैं स्टेशन पर और दोस्तों ट्रेन आने वाली है। ट्रेन आने के बाद में हम उसमें बैठ कर और बरेली के लिए दोस्तों अब रवाना हो चुके हैं। ट्रेन धीरे धीरे आगे को जा रही है बरेली की ओर, तो देख सकते हैं आप दोस्तों। और देख लीजिए यार आपको मैं एक एक करके बहुत सारे नज़ारे दिखाने वाला हूँ दोस्तों, वीडियो में बने रहें। तो ये ट्रेन का सफ़र है हमारा, देख लीजिए। और ट्रेन में काफ़ी सारी सवारियाँ बैठी हैं बरेली जाने वाली, और इसके बाद हम बरेली पहुँच कर फिर वहाँ से आपको आगे घूम दिखाने वाला हूँ। हेलो गाइस, देख लीजिए ये बरेली जंक्शन पर अभी हम लोग उतरे हैं। तो हेलो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बरेली और अब हम बैठने वाले हैं दिल्ली को। दिल्ली से जाने वाले हैं, हमारी यात्रा होने वाली है उत्तराखंड की, हरिद्वार की। तो दोस्तों अभी हरिद्वार जाने वाले हैं, तो आके हम आपको नज़ारे दिखाने की कोशिश करेंगे, वीडियो में बने रहे हैं। तो देख लीजिए दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बरेली जंक्शन पर और इधर वाट को क्रॉस करते हुए और ये रेल चली जा रही है, देख सकते हैं आप। तो देख लीजिए दोस्तों ये बरेली का बाज़ार और अभी हम जाने वाले हैं, बस स्टैंड जा रहे हैं दोस्तों और बस में जो है बैठ करके हरिद्वार को निकलने वाले हैं। फिर हरिद्वार के लिए रवाना होंगे और वहाँ की वीडियो आपको बना के दिखाने की कोशिश करूँगा। उत्तराखंड का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, होता है आप लोगों ने देखा ही है, और नहीं देखा तो आप दोस्तों मेरी वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो अभी हम ई रिक्शा में बैठ के और बस स्टैंड जा रहे हैं। तो देख लीजिए दोस्तों अभी बरेली के बाजार में लोग हैं और बस स्टैंड पहुँचने वाले हैं। तो बस स्टैंड पहुँच करके और बस से रवाना हो जाएंगे हरिद्वार के लिए सीधा। तो हरिद्वार के नज़ारे आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे, तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। दोस्तों अभी हम बरेली के बस स्टैंड पहुंच चुके हैं और हमको बस मिल चुकी है, देख सकते हैं आप। इस बस से हम जाएंगे अभी, देख सकते हैं आप हरिद्वार। देख लीजिए हरिद्वार से देहरादून इसी बस से हम जाने वाले हैं और 6 बजे बस निकल जाएगी। और इधर कई सारी बसें रखी हुई है, तो देख लीजिए। चलिए चलते हैं। जी हाँ दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार और रात को 1 बज रहा है, रात के 1 बजे का समय हो रहा है। और देख लीजिए अभी हम इधर चाय पीने वाले हैं और ये हरिद्वार पहुँच चुके हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन पर, वहीं जाकर देखते हैं कुछ। अभी हमारे बच्चा देखते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों रात को 1:30 बज रहा है, 1:30 बज हो रहे हैं और देवभूमि उत्तराखंड में हम लोग पहुँच चुके हैं।
और ये देवभूमि उत्तराखंड के बाजार का कुछ नज़ारा जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। और अभी हम लोग जाने वाले हैं पंडा जी के कमरे पर, वहीं जाकर रात्रि विश्राम करेंगे, आराम करते हैं। इसके बाद में दोस्तों सुबह उठ करके नहा धोकर फ्रेश होकर हम लोग जाएंगे अर्घी पैड़ी, हम लोग दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। ऐसा कुछ अभी देवभूमि उत्तराखंड के बाजार का नज़ारा, रात को 1:30 हो रहे हैं और इस तरीके से है बाजार। थोड़ा बहुत मार्केट अभी भी जो है खुल रहा है। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए अभी रात को 1 है और रामघाट पे हम लोग पहुँच गए हैं। देख सकते हैं आप गंगा जी जो है कितनी तेज स्पीड में बहती हुई, तेज प्रवाह यहाँ हमारी गंगा माता दिखाती हुई, देख लीजिए। और अभी जो है दोस्तों रामघाट पे हम पहुँच चुके हैं, रात को 1:30 है तो काफ़ी पूरा अभी रामघाट खाली पड़ा है और दिन में तो काफ़ी सारी भीड़ हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों नमस्कार, अभी रात को 1:30 हो रहे हैं और अब दोस्तों अभी हम लोग रामघाट पे पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं गंगा मैया कितनी तेज प्रवाह में अपनी जो है बह रही हैं, तेज धारा है। और अभी रामघाट जो है खाली पड़ा है और सुबह जो है जहाँ दोस्तों काफ़ी सारी भीड़ हो जाती है, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। और इधर देख लीजिए अभी जो खाली पड़ा है तो अभी यहीं पंडा जी का जो है मकान है, यहीं पे अभी हम लोग विश्राम करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम आपको सुबह वीडियो बना के यहाँ का नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग अंदर पहुँच चुके हैं, महाराज जी के जो है जो भी श्रद्धालु इधर आते हैं यहीं रुकते हैं। और अभी जाने वाले हैं, अंधेरा है काफ़ी इधर से चढ़ते हुए। तो दोस्तों काफ़ी पुरानी बिल्डिंग और अभी हम लोग इधर से इधर आ गए हैं। यह पंडा जी का जो है विश्राम गृह है भैया, हमारे पंडा जी का देख सकते हैं। तो दोस्तों सभी को जय श्री राम। दोस्तों देख लीजिए अभी जो है सुबह हो गई है, सुबह के 5:30 बज गए हैं और सुबह उठ चुके हैं अभी हम लोग। और आप लोग मेरे पीछे दोस्तों देख सकते हैं यह गंगा जी जो है जाती हुई अपनी तेज गति से और सुबह का नज़ारा। और देख लीजिए दोस्तों ये हमारे भारत देश का तिरंगा लहराता हुआ। और इधर रामघाट दोस्तों भारत द्वार का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, उधर जो लक्ष्मण झूला बना है।